पाकिस्तान की वार्म अप मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी। फहीम अशरफ ने बंगाल टाइगर्स के मुंह से फतह छीन ली। 30 गेंदों पर 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बांग्लादेश का 342 रन का बड़ा हदफ। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेटों पर आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल कर लिया। शुएब मलिक के 72, हफीज के 49, अम्माद के 45, शहजाद के 44 रन। 11 मई 2011 की रात 11 बजे हेलीकॉप्टर की आवाज से आंख खुली। उसामा की बीवी ने अहमदाबाद ऑपरेशन की कहानी बयान कर दी। अमेरिका में लिखी जाने वाली किताब की मुसनफीन के मुताबिक अमल कहती है, उसामा ने आवाज सुनते ही कहा अमेरिकी आ गए। फिर धमाका हुआ, कमांडोज अंदर घुसे और गोलियां चलाई। बच्चों और दूसरी बीवी से शनाख्त कराकर उसामा की लाश ले गए। ने बिजली बचाने पर जोर नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ का एतराफ, कहते हैं हुकूमत बिजली के नए प्लांट्स लगाने में मसरूफ रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली चोरों को तहफ्फुज़ दे रही है। पीटीआई ने जिन 3 ग्रिड स्टेशंस पर हमला किया वहां 70% बिजली चोरी होती है। रमजानुल मुबारक की बासादत घड़ियां शुरू। मुल्क भर में मस्जिद की रौनकें बढ़ गईं। पहली नमाज तरावी के मौके पर बड़ी तादाद में फर्जंदाने इस्लाम की मस्जिद में हाजिरी। कई शहरों में नमाज तरावी के मौके पर भी लोग शरीक। उधर सऊदी अरब में पहली अफ्तारी के मौके पर रूह परवर मनाज़िर। पहली सहरी के लिए लोगों की खूब तैयारी। बाजारों में दिन भर रमजान मुबारक के लिए अशियाए जरूरिया खरीदने वालों का रश रहा। शाम में खवातीन की तरफ से सहरी की पेशगी इंतजाम। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में गुज़श्ता रोज पारा 45, लाड़काना जकबाबाद में 49 डिग्री तक चढ़ा। डीजी मेट गुलाम रसूल कहते हैं रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दूसरे अशरे में कुछ रिलीफ मिलेगा। तीसरे अशरे में जबरदस्त बारिशें होंगी। कराची वालों के लिए रमजान में ट्रैफिक जैम का भी इम्तिहान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों की वजह से ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो गया। सड़कों पर गाड़ियां रींगने पर मजबूर। गुज़श्ता रोज भी कई सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा, हजारों गाड़ियां फंसी रहीं। कोई वैरायटी नजर नहीं आ रही है और ख्वार होके वापस जा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, कम से कम रमजान शरीफ में देना चाहिए। खाना मुश्किल हो गया गरीब बंदे के लिए। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई इकदाम करे, कुछ चीजें सस्ती करे। डॉक्टर साहब, मुल्क का बजट तो बना दिया, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम का बजट बना के दिखाए। रमजान मुबारक के साथ महंगाई की भी एंट्री। सस्ते बाजारों में भी अशिया महंगी। कहीं लीमू 400 रुपए किलो से ऊपर, कहीं 300 रुपए किलो सेब कुवते खरीद से बाहर। दर्जन केले की कीमत 180 से बढ़ गई। खजूर की कीमत खजूर के दरख्त से भी ऊंची चढ़ गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग। बुरहान वानी के जानशीन सब्जवाल भट्ट समेत 12 कश्मीरी शहीद हो गए। पाकिस्तान की कश्मीरियों की शहादत की मजम्मत। मुशीर खारजा सरताज अजीज कहते हैं भारत सरहद पर इश्तियाल अंगेजी की आड़ में कश्मीरियों पर मजालिम पर पर्दा डाल रहा है। मकबूजा कश्मीर की मुसलमान अक्सरियत को अकलियत में बदला जा रहा है। कराची में महकमा एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन गैर फाल। रमजान से पहले 50 से जायद गैर कानूनी बचत बाजार कायम। गैर कानूनी बचत बाजारों से बल्दियाती इदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान। उधर डीएमसी ईस्ट ने कमाई का नया मंसूबा बना लिया। 27 मकामात पर चार्ज्ड पार्किंग की तैयारियां। बाकमाल लोगों का एक और कारनामा। डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन कैप्टन अजीज ने एविएशन गवर्निंग की धज्जियां उड़ा दी। कैप्टन अजीज ने टोरंटो प्रवास पर एयर नेविगेशन ऑर्डर को तोड़ दिया। टोरंटो प्रवास 781 के क्रू को 30 घंटे रेस्ट मुकम्मल कराए बगैर बुलवा लिया। बाकमाल बल्लेबाज ही नहीं, सुरीले गुलूकार भी हैं। साबिक कप्तान ने तकरीब में गुलूकारी के जौहर दिखाए। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
और सिडनी में रंगारंग रोशनियों का सालाना मेला शुरू। अब ब्रिज और इमारतें रोशनियों से सजा दी गईं। 23 रोजा मेले में 3D लाइट शो, लाइट प्रोजेक्शन, म्यूजिकल परफॉर्मेंस समेत 250 इवेंट्स होंगे। फेस्टिवल में 25 लाख अफराद की शिरकत का इम्कान है।